वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। प्रैक्टिस सेट 2.4 शुरू होने के पहले आपको पिछले स्टैंडर्ड यानी 8th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था। फॉर्मूला है एक्स इंटू ए माइनस बी। ये कैसा होता है, एक्स ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी। याद आया, पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने 8th में। वैसे ही और एक था एक्स माइनस वाई इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो पहला एक्स है वो ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर एक्स के बाद क्या साइन है, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। फिर वाई भी ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। आई रिपीट, एक्स ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स के बाद माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, फिर y भी a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको याद आ रहा है। सो बहुत इजी है, तीन तीन स्टेप में आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई। क्वेश्चन है आपका रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 माइनस रूट 3। ये आपको फर्स्ट फॉर्मूला जैसा दिख रहा है क्या? ये देखिए, ये x है, ये आपका a है, ये आपका b है, एकदम फर्स्ट फॉर्मूला जैसा ही है। तो इसका मतलब क्या, रूट 3 रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस, फिर रूट 3 रूट 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। अब इजी है, रूट 3 इंटू रूट 7, एक रूट बना दिया, 3 7s are 21। अंदर रूट के अंदर, याद है मैंने बताया था रूट के दो नंबर अंदर होते हैं, अगर दो नंबर तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 7s are 21, ओके। माइनस माइनस और रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 कितना होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3। रीजन दे दिया, ठीक है। सो क्या आंसर है, रूट 21 माइनस 3। अब रूट, ये रूट है और ये एक प्लेन नंबर है, तो रूट 21 माइनस 3 18 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये रूट 21 वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस 3 वैसे का वैसे रहेगा, आपका आंसर खत्म। अब सेकेंड क्वेश्चन भी एकदम सेम है, बस यहाँ पे क्या था, हम लोग को पहले रूट दिया था फिर ब्रैकेट दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहले ब्रैकेट दिया है फिर रूट दिया है, पर फॉर्मूला वही है जो ऊपर लगा है। रूट 2 रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ माइनस, फिर रूट 2 रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 7। सेम अंदर रूट के हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 5s are 10, रूट डाल दिया, माइनस है तो माइनस, 2 7s are 14, ठीक है। इसको भी आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि आपका रेडिकेंट, याद है रेडिकेंट, इसको रेडिकेंट कहते हैं, ये और ये अलग है, तो माइनस नहीं करना है, एज इट इज आंसर लिख के छोड़ देना है। अभी ये है आपका जो सेकेंड फॉर्मूला था ना, एक्स माइनस वाई इंटू ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये है आपका एक्स और ये आपका वाई, ये है आपका ए और ये आपका बी। सो क्या फॉर्मूला था, एक्स पहले ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन, वाई ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो पहले 3√2 ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके, माइनस है तो इसलिए माइनस, फिर रूट 3 भी ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छे से स्टेप देख लो, ठीक है। अभी सिर्फ इसको देखो, इसको देखो, ये एक्स है, ये ए है, ये बी है। सो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वही किया मैंने, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3, माइनस है तो माइनस, 3√2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। फिर ये माइनस यहाँ पे है इसलिए माइनस यहाँ पे आएगा। अब सेम जैसा इसके लिए क्या है, अब उसके लिए भी वैसे ही करना है, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4√3। अभी ये माइनस है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, क्यों, आपने पढ़ा है जब ब्रैकेट के आगे माइनस होता है और अंदर माइनस होता है, और जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर का माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्यों, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो पहले रूट 3 4√3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर रूट 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट 2, ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा संभल के, पहले ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो बाहर है वो मल्टीप्लाई होंगे, 3 4s are 12, और जो रूट में है वो भी मल्टीप्लाई होंगे,
टू थ्री जार सिक्स, ठीक है, माइनस माइनस थ्री लिख दिया वैसे का वैसे ही, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू कितना होता है टू, है ना, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू कितना होगा टू, माइनस माइनस वैसे यहां भी देखो रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री कितना होगा थ्री, और फोर भी था इसलिए फोर भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट टू, थ्री टू जार सिक्स, ओके। सो क्या क्या बचा, ट्वेल्व रूट सिक्स माइनस थ्री टू जार सिक्स, फोर थ्री जार ट्वेल्व एंड रूट सिक्स। अभी जो रूट, अभी ये देखो ये ट्वेल्व रूट सिक्स है और यहाँ पे रूट सिक्स है, रेडिकेंट सेम है, यहाँ भी सिक्स है रूट में, यहाँ भी सिक्स है, तो मैं प्लस कर सकता हूँ ट्वेल्व रूट सिक्स और रूट सिक्स। रूट सिक्स के आगे कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है वन, है ना। सो ट्वेल्व प्लस वन कितना होता है थर्टीन रूट सिक्स, है ना, थर्टीन रूट सिक्स, ट्वेल्व रूट सिक्स और प्लस वन रूट सिक्स कितना होगा थर्टीन रूट सिक्स, ये हो गया। अब नंबर क्या बचा ऊपर, माइनस सिक्स और माइनस ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस, सिक्स प्लस ट्वेल्व कितना होगा एटीन, करेक्ट। फिर साइन देने का होता है, सिक्स बड़ा है कि ट्वेल्व, ट्वेल्व बड़ा है इसलिए ट्वेल्व का साइन लगाना है जो कि माइनस है। आंसर क्या है थर्टीन रूट सिक्स माइनस एटीन। ये वाले से हमको थोड़ा दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे समझ के साथ करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमने लास्ट टाइम भी किया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, लेकिन वो नीचे जब उसमें उसका मतलब क्या होता है, नीचे का रूट निकालना है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है। अभी आपको दो दो रूट दिए हैं, एकदम ईजी है, एकदम ईजी स्टेप है, ध्यान से देखना। ये जो नीचे प्लस है ना, इसको कैसे करते हैं देखो। अभी एक वर्ड है जिसका नाम है द कॉन्जुगेट, द कॉन्जुगेट ऑफ रूट सेवन प्लस टू इज रूट सेवन माइनस टू। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम उसको ऊपर और नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाले नंबर के साथ, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। द कॉन्जुगेट ऑफ रूट सेवन प्लस रूट टू इज रूट सेवन माइनस रूट टू। प्लस है इसलिए माइनस लिया, माइनस होता तो प्लस लेने का, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, ये दोनों रूट को उड़ाना है, तो समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये नंबर फिर से लिखूंगा पीछे और ऊपर और नीचे दोनों का क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके कॉन्जुगेट से, माइनस से, ठीक है। सो वन अपॉइंट रूट सेवन प्लस रूट टू, ये क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, उसके कॉन्जुगेट से, रूट सेवन माइनस रूट टू, रूट सेवन माइनस रूट टू, ठीक है। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर कैसा मल्टीप्लाई होगा, वन मल्टीप्लाई बाय रूट सेवन माइनस रूट टू, वन इंटू दिस कितना होगा, वही नंबर आएगा, है ना। वन को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, वन फाइव जा फाइव, वन सिक्स जा सिक्स, वैसे ही वन इंटू रूट सेवन माइनस रूट टू कितना आएगा, रूट सेवन माइनस रूट टू। ऊपर का क्लियर हो गया। अब नीचे का आपको ध्यान से देखो, इधर फिर से एट स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लग रहा है, ये है रूट सेवन प्लस रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट सेवन माइनस रूट टू। आपको याद है एक फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको देखो ये ए प्लस बी है, ये आपका ए माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है आपका रूट सेवन, तो रूट सेवन स्क्वायर माइनस बी क्या है रूट टू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अभी रूट सेवन माइनस रूट टू वैसे का वैसे ही रहेगा, हम उसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि रेडिकेंट अलग है, ओके। अभी नीचे देखो रूट सेवन स्क्वायर मतलब क्या, रूट सेवन मल्टीप्लाई बाय रूट सेवन, है ना, रूट सेवन स्क्वायर मतलब क्या, रूट सेवन मल्टीप्लाई बाय रूट सेवन, और रूट सेवन मल्टीप्लाई बाय रूट सेवन कितना होता है सेवन, वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ टू मतलब रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, है ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर है ना, मतलब रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, और रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू कितना होता है टू, ठीक है। सो इसलिए रूट सेवन माइनस रूट टू वैसे का वैसे लिखने का, सेवन माइनस टू कितना होता है फाइव। आप देख रहे हो नीचे का रूट साइन यहाँ जो था क्वेश्चन में रूट सेवन प्लस रूट टू, नीचे से फाइव आ गया, आपका रूट चला गया, आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। एकदम वैसे ये भी करना है आपको, सेम वैसे ही है, थ्री अपॉन टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो एक ये नंबर है माइनस ये दूसरा नंबर है, तो क्या करना पड़ेगा,
द कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट कब लेते हैं, जब नीचे दो दो नंबर आते हैं, जैसे दिस प्लस दिस, वैसे ही यहाँ पे भी है आपके पास दिस माइनस दिस, तो हम क्या करेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू, माइनस है तो क्या साइन आएगा, प्लस। द कॉन्जुगेट ऑफ टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू इज टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख देने का, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से, टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू, टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक चीज़ याद रखना, आप डायरेक्टली खाली थ्री को टू रूट फाइव से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये जो थ्री है ये दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा आएगा, ब्रैकेट में लिखना है, मतलब थ्री टू रूट फाइव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर थ्री थ्री रूट टू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वो पिछला फॉर्मूला किया ना अपन ने, एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी, वैसे ही है। इन शॉर्ट थ्री दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट डाल दिया। और नीचे का तो पता ही है, देखो टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू, टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो टू रूट फाइव आपका ए है तो उसका स्क्वायर, माइनस बी क्या है आपका थ्री रूट टू तो उसका स्क्वायर। अभी ऊपर क्या करेंगे, थ्री टू रूट फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो प्लस, फिर थ्री थ्री रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, टू रूट फाइव का स्क्वायर कैसे निकलता है, ध्यान से देखना, एकदम ईजी है। टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, और रूट फाइव मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव कितना होता है, फाइव, ठीक है। माइनस माइनस, वैसे यहाँ पे थ्री रूट टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, क्योंकि रूट टू स्क्वायर है ना, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू कितना होता है, टू, ठीक है, समझ में आ गया। ये मल्टीप्लाई क्यों किया है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी फोर इंटू फाइव क्यों किया है, बिकॉज दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। फिर सॉल्व करने का, थ्री टू जार सिक्स, रूट फाइव तो रूट फाइव, प्लस है तो प्लस, थ्री थ्री जार नाइन, रूट टू रूट टू, फोर फाइव जार ट्वेंटी, माइनस नाइन टू जार एटीन, सुपर का वैसे ही रहेगा, आप उसको ऐड नहीं कर सकते, क्यों, रेडिकेंट अलग है, यहाँ पे फाइव है यहाँ पे टू है, ऐड नहीं कर सकते, सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन नहीं लिख सकते, वो कभी कर सकते थे अगर ये दोनों रेडिकेंट सेम होता, सो वैसे का वैसे ही रहेगा, ट्वेंटी माइनस एटीन कितना है, टू, आप देख सकते हो आपका आंसर, मतलब डिनोमिनेटर में क्या बोलते हैं वो, रूट चला गया। अच्छा, इसमें और एक छोटा सा स्टेप है, ऊपर आपको कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, ये थ्री के टेबल में आता है, ये भी थ्री के टेबल में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, थ्री बाहर कॉमन निकाल लेंगे, थ्री टू जार सिक्स एंड थ्री थ्री जार नाइन, तो थ्री को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, टू रूट फाइव प्लस, यहाँ पे नाइन था तो थ्री थ्री जार नाइन, ठीक है, एकदम सिंपल है। थ्री को इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, टू रूट फाइव, और यहाँ पे क्या बचेगा, थ्री थ्री जार नाइन ना, तो थ्री रूट टू, थ्री कॉमन लिया बस, और नीचे टू तो था ही अपने पास, सो ये आपका फाइनल आंसर है, समझ में आ गया। आपको ये कब करना होता है, जब अगर ऊपर कोई आपको कॉमन नंबर दिख रहा है तो। अब थर्ड और फोर्थ वैसे ही है, आप ट्राई करना अच्छे से, कुछ डाउट अगर तो पूछना, एंड ध्यान देने का, अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल देने का, ओके, सो दैट्स इट।